अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग, होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वही एक और व्लॉग के साथ हम वापस आ गए हैं और आप सभी का इसके अंदर वेलकम हो गया। आज भाई जुम्मा है और सुबह सुबह अभी उठ के थे, अभी 9:45 का टाइम है। सभी उठ के थे, मैं भी उठ गया, दर्शन भी, बिल्ला भी आ गया था। अभी तो मुंह भी नहीं धुआ है, सुबह सुबह कैमरा पकड़ लिया। अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हो तो कर देना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। आपको ये नहीं कहूंगा, आप अपनी माँ को प्यार करते हो, बाप को करते हो, भीख मांगते हैं लोग यार सब्सक्राइबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको कोई अच्छा लगा है, आप खुद अगर आपका दिल मानता है तो आपने सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज आजकल तो भाई ये ट्रेंड बन गया हुआ है। अभी भी अभी बाहर चलते हैं यहाँ, कुछ को 8 सुबह है और हमारा जुम्मे से पहले पहले का जो काम है, भाई अभी एक वर्कर उनके ना हाथ पे कुत्ते ने काट लिया, शायद पता नहीं पाँव पे काट लिया, मैं अभी देखा नहीं। तो उसे अभी इंजेक्शन लगवाने जाना है स्किन इन्फेक्शन के लिए, कि उसका इन्फेक्शन ना फैल जाए। इसमें काफी मसला बनता है, 1-2 महीने बाद उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से ऐसा करते हैं, अभी निकलते हैं इंजेक्शन लगवा के आके फिर देखते हैं। और अभी तो पहले बाहर चलते हैं ना, क्या हाल है। कासम को कुत्ते ने मार लिया, तो कुत्ता मरा नहीं। जल्दी आई, 5 मिनट्स लेट। बेसन भी लेने गया था, सामान पत्ती और शक्कर खत्म हुई हुई थी, ले आया। आंदे सारी डोल ही देती जनाब ने, बड़ी गल है चौधरी, बड़ी गल है। देखिए स्टैंड बन गया मेरा, बड़ी वीडियो कमाल दी आ रही यार, थोड़ा जोर ना चुक, इतने रख चीती पा दे, तू बड़े आराम ना लगा इतने साडे स्टैंड थक चले नहीं। तो ऐ देखो बिल्लियां भाई, क्यारी सारी बिल्लियां ने खराब कर दीती है यार। ऐ देखो एक ऐ आ रही ब्लैक कलर दी, एक ऐ बैठी बिच प्यारी दे, लड़न लगियां नहीं दोनों, पौधे सारे खराब कर देते नहीं यार। 5 मिनट्स लेट। अभी मैं आ गया था कासिम भाई के पास, जिनको कुत्तों ने काटा है। कुत्ते को घर के नहीं थे, ना ही कोई जो है ना मतलब रखे हुए थे, खुद आए थे बस ऐसे ही जो है ना आवारा। उन्हें निकालने गए थे कासिम भाई, उनके पीछे थोड़ा दौड़ लगाई थी। वो देखो भाई हाल क्या किया उनका, अभी जाएंगे इंजेक्शन लगवाने। यार टांग भी काटना चाहिए था ना उसने हाथ पे, आगे था ना पीछे से आया ना पता। अच्छा अच्छा आप आगे हो, हाथ पीछे, 3-4 कट्ठे थे, 5 कुत्ते थे, बाकायदा भागे, एक पीछे तरह उसने काट लिया। चलो फिर चलिए। अभी कासम बेबी रेडी है, निकलते हैं जाके, अब मिलते हैं उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होती नहीं है। 15 मिनट्स लेट। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं, 10-15 मिनट बाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। बहुत बड़ा ब्लॉक है ये, तो एक ब्लॉक है ना, इसके जैसे 3-4 और भी हैं उधर उस साइड पे। और पेशेंट देखो भाई कैसे, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, कुछ अंदर ही बहुत ज़्यादा है, बाहर तो कम है। ये तो वेट में बैठे हुए हैं, ये साथ कासम भाई खड़े। अरे देखो यार बड़ी बड़ी लाइन लगी। तो फाइनली भाई स्लिप मिल गई है इंजेक्शन लगवाने की, 3 लगने हैं इन्हें। इंजेक्शन लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, इधर जो गवर्नमेंट टेस्ट के रेट है ना वो देखो, CBC 200, PSR 60, ब्लड शुगर 65, ब्लड यूरिया भी 65, क्रिएटिनिन भी 65, मतलब हाफ हाफ फ़र्क है यार सारे टेस्टों का। अगर प्राइवेट कराने जाएँ तो ये 200 की CBC जो है अभी 800 की हो रही, शायद 700 की हो रही है। बस इधर आ जाते हैं, ये टेस्ट हॉस्पिटल में बुखार के अद्वियात, दर्द की, एंटीबायोटिक, TB की, इरगान की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन मौजूद हैं, अस्पताल में सांप के काटने के अद्वियात में मौजूद है, और टेंशन के इंजेक्शन भी वही इधर से ले लिया करो आके, मिल जाते हैं, हफासी टीके भी, इंसुलिन भी, सारा कुछ अवेलेबल है। जैम लग गया है, पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना उनकी वजह से, कपड़ों को कलर लगाया हुआ है सारों ने और इनकी वजह से जैम लग गया। वापस अपने हॉस्पिटल आ गए थे, उधर से वो पट्टी वगैरह नहीं की हुई है, उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगाना था, तो बैंडेज भी तो करनी थी। मैं इधर से बैंडेज करवा के वापस चलेंगे, फिर जाके जुम्मे की तैयारी करते हैं। मैं ऐसे ही जो ना आ गया वापस,
many hours later. Finally, यार रेडी शेडी हो गया था जुम्मे के लिए, कोई एक घंटे बाद आया हूँ कासम भाई को छोड़ के, और उन्होंने बोला ये है कि अगर कोई कुत्ता मेंटली तौर पे को पागल, मतलब जिसे हल्का होगा कहते हैं, जिसमें कोई जहरीली चीज खा लिया, अगर उसने काटा ना, अगर उसने काटा 3 इंजेक्शन लगेंगे, अगर उसने नहीं काटा है, कोई आवारा कुत्ता है, कुत्तों का झुंड है ना, आज कुत्तों ने अटैक किया था रात को, ठीक है, और 2 दांत लगे थे उसके हाथ पे। जुम्मे का टाइम भी होने वाला है, हवा एक हो गया है, और पिल्ले की लगता है तैयारी नहीं है पढ़ना, अभी नाश्ता हो रहा है, ये नाश्ता बाकी बड़ी गल है यार। फिलहाल लोगों ने तो जुमा लेट पढ़ना है, क्योंकि सबसे लेट जिस मस्जिद में होता है इन लोगों ने उधर पढ़ना है, और सबसे पहले जिस मस्जिद में होता है उधर मैंने पढ़ना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ जल्दी का काम स्थान का। तेनू किन्ने का जल्दी का काम स्थान? Many hours later. तो बहुत आज के लिए वापस आ गया था मैं, दफाल व्लॉग ज्यादा लंबा भी नहीं करना, और दूसरी नंबर पे आप लोगों को तो पता है हम सब आजकल बिजी हैं सभी, आपको तो बताया मैंने पिछले व्लॉग में, बस जल्दी फ्री होने वाले हैं और व्लॉग बढ़ के आएंगे, एक से एक बढ़ के इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, किसका वेट कर रहे हो। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई आसमान से कुछ चंद तारे तोड़ लाओ, पुराना डायलॉग है मेरा, लेकिन है अच्छा सूट कर जाता है, आपको कोई लड़की कह दे भाई चंद तारे तोड़ ला दो मुझे, तो बस 1 मिनट रुको मैं 2 मिनट में आ लेके, ये रेड कलर का बटन है क्लिक करना, ग्रे कर देना, बेल साथ में उसे ऑल पे सेट कर देना, बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।